बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, हियर वी आर विद योर हिस्ट्री लेक्चर। सेवन क्लास इन हिस्ट्री वी आर डूइंग चैप्टर नंबर टू एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट किंग्स ऑफ मुगल डायनेस्टी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। ही वॉज द किंग फ्राम 1658 टू 1707। Here on page number 54 we will start the reading, and before starting the reading, seventh class, मैं आपको थोड़ा सा introduction देना चाहती हूँ औरंगज़ेब आलमगीर का। ये शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ का तीसरे नंबर का बेटा था। इसको शाहजहाँ ने दक्कन का गवर्नर मुकर्रर किया हुआ था। ये उसके बेटों में बहुत काबिल, बड़ा मुनसिफ और बड़े अच्छे मिजाज का, बड़े अच्छे टेम्परामेंट का लड़का था, और ये बहुत अच्छा शहज़ादा था। बड़े अच्छे तरीके से इसने दक्कन में अपनी गवर्नरी संभाली। सेवन क्लास, रिसेंटली पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग द सन्स ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ के बेटों के बीच जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी उसको डिस्कस किया, तो उसमें आपको औरंगज़ेब आलमगीर का बड़ा अच्छा एक तारुफ मिल गया। वहाँ पर हमें पता चला कि ये बड़ा अच्छा जर्नैल, बड़ी अच्छी कैपेसिटी वाला वॉर लीडर, बड़ी अच्छी प्लानिंग करने वाला और बहुत क्लेवर आदमी था। ये इतना क्लेवर था कि इसने पहले से ही सब लोगों की, सब जो इसके ख़िलाफ़ जितनी भी चालें थीं, जितने भी कोशिशें थीं, इसने उन सबको नाकाम बनाया। इसने अपने भाइयों को हराया, कुछ को मारा, कुछ को भगाया, अपने बाप को कैद किया ग्वालियर के किले में और खुद बादशाह बन बैठा। ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी हम पेज नंबर 54 पे रीडिंग करेंगे। तो अर्ली लाइफ के बारे में बात है। शाहजहाँ का तीसरा बेटा 1618 में ये पैदा हुआ। बादशाह के बेटों की तरह वही जो चीज़ तवक्को की जाती है, इसकी जो ट्रेनिंग थी वो बहुत लर्न्ड स्कॉलर्स ने की। इसको अरेबिक, पर्शियन, टर्किश, हिंदी, ये सारी ज़बानें इसको आती थीं। आर्ट ऑफ वॉर इसने सीखा, और इसकी अक्लमंदी और इसकी काबिलियत की तारीफ़ शाहजहाँ खुद भी किया करते थे। औरंगज़ेब ने बहुत सारी मिलिट्री एक्सपीडिशंस में हिस्सा लिया जबकि वो सिर्फ शहज़ादे थे, और उसी में उसने अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखा दी थी। और बादशाह को पता था कि ये जो है बहुत काबिल इंसान है, लेकिन बादशाह ने एयर अपेरेंट बनाया हुआ था दारा शिकोह को, और वो हम पढ़ चुके हैं कि क्या मामलात हुए। तो ये सारे भाई आपस में जंगे लड़ने लग गए। एट द एंड ऑफ द डे शाहजहाँ की ज़िंदगी में ही औरंगज़ेब ने वॉर ऑफ सक्सेशन जीत ली और वो बादशाह बन बैठा। अब ये देखें जी, इसके बारे में ज़ाती तौर पे, इसकी ज़ात के बारे में अगर बात करें तो ये बड़ा मज़हबी रुझान रखने वाला दरवेश सिफ्त आदमी था। इसने अपने काम को, ये बादशाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो बड़ी एक मुकद्दस अमानत के तौर पे लेता था, और हज़रत मुजद्दद अलफ़सानी से ये बहुत मुतासिर था, उनकी तालीमात से बहुत मुतासिर था। और अनलाइक दी अदर मुग़ल एम्परर्स जो इसके पहले हुए, ये जो नॉन इस्लामिक कस्टम्स थी ये उनके बहुत ख़िलाफ़ था, म्यूज़िक के बहुत ख़िलाफ़ था, इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करता था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस एंड प्रॉब्लम्स इन द एज ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का जो दौर है, मैंने आपको बताया बेटे, एज, इरा, रेन, टाइम पीरियड, इन सब के एक ही मीनिंग होते हैं। तो औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में उसको जो प्रॉब्लम्स आए उनका हम डिस्कस करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी कैन डिवाइड द एज ऑफ औरंगज़ेब इन टू स्टेजेस और पार्ट्स। फर्स्ट पीरियड फ्रॉम 1658 टू 1681, ड्यूरिंग विच औरंगज़ेब वाज बिजी इन सेटलिंग इश्यूज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। एंड सेकेंड पीरियड 1682 टू 1707, व्हेन औरंगज़ेब वाज फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन द अफेयर्स ऑफ दक्कन सदरन इंडिया। यानी अपने बादशाह बनने के पहले दौर में वो नॉर्दर्न इंडिया में इन्वॉल्व रहा, और दूसरे दौर में वो सदरन इंडिया में इन्वॉल्व रहा, क्योंकि इसकी हुकूमत बहुत वसी थी। नॉर्दर्न, सदरन ये इंडिया, ये सारे का सारा इलाका बहुत बड़ी सल्तनत बनता है। एंड ही रिमेन्ड बिजी इन सेटलिंग द इशूज ऑफ हिज सल्तनत। सो नॉर्दर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग शाहजहाँ सन्स द रूलर्स ऑफ असम, कूच बिहार स्टार्टेड मेकिंग इनकर्जन्स इन टू द मुगल टेरिटरीज बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। मुगल कुड नॉट पे सफिशेंट अटेंशन। व्हेन औरंगज़ेब फाइनली बिकेम एम्परर ही कैप्चर्ड असम, उच एंड बिहार।
थ्रू मिलिट्री एक्शन. चैलेंज जी, हुआ क्या कि जब शहजादे आपस में लड़ झगड़ रहे थे तो जो बिहार असम वगैरह और इस तरह के लोग इर्द गिर्द की छोटी छोटी रियासतें थी वहाँ के लोग थे, उन्होंने भी देखा कि ये अब आपस में लड़ रहे हैं तो कमज़ोर होंगे. उन्होंने भी मुग़ल इलाकों में पंगे लेने शुरू कर दिए, तंग करना शुरू कर दिया. तो जैसे ही ये मामला सारा सेटल अप हुआ और औरंगज़ेब बादशाह बना तो औरंगज़ेब ने इनकी तरफ ध्यान शुरू किया. तो रिलेशनशिप विद राजपूत्स, व्हेन शाहजहान वाज इल हिज सन्स वर फाइटिंग टू गेट द थ्रोन, द राजपूत स्टेट्स फॉर्मड एन अलायंस ऑन पॉलिटिकल बेसिस. राजपूत राजा ऑफ मेवाड़ टुक एक्टिव पार्ट टू फोर्ज दिस अलायंस. औरंगज़ेब फॉट मैनी बैटल्स आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन. Finally, the Mughals annexed Mewar and also brought other Rajput territories under their control. Aurangzeb appointed his son Akbar as administrator of these areas. Prince Akbar soon revolted against Aurangzeb. Consequently, Aurangzeb himself marched against his son. Prince Akbar fled to Persia and spent his whole life there. In 1701 AD, Rajputs revolted once again. During these constant fights and compromises with Rajputs, Aurangzeb died. Yani Rajputon ne Aurangzeb ki sari zindagi mein masail paida kiye rakhe. वो अलायंस जो अकबर के दौर में राजपूतों का मुग़लों के साथ था वो अब ख़त्म हो चुका था. राजपूत जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ रहे. पहले इसने अपने बेटे अकबर को भेजा, उसने राजपूतों के साथ तो क्या वो काबू करता उनको, उसने ख़ुद अपने बाप के ख़िलाफ़ जो है वो एक उठ खड़ा हुआ तो औरंगज़ेब को ख़ुद उससे लड़ना पड़ा. तो अब कॉन्टीन्यूसली कभी राजपूत अलायंस में आ जाते मुग़लों के साथ, कभी वो अलायंस तोड़ देते, कभी वो ख़िलाफ़ हो जाते और कभी वो खामोश हो जाते. और इसी दौरान में औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया. इसका मतलब कि राजपूतों के साथ औरंगज़ेब के ताल्लुकात कोई मिसाली नहीं थे. इसके बाद इंसरक्शन ऑफ सिखों का भी उठ खड़े होना. ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब सिख्स स्टार्टेड देयर लूटिंग एडवेंचर्स इन पंजाब एंड कश्मीर. रॉयल आर्मी रिस्पॉन्डेड एंड डिफीटेड देम. अब क्या हुआ जी, औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में सिखों ने लूट मार का बाज़ार गर्म कर रखा था पंजाब में और कश्मीर में. तो गवर्नमेंट की जो बादशाह की जो फ़ौज थी वो उनके ख़िलाफ़ गई और उनको हराया. फाइनली द हेड ऑफ सिख्स गुरु गोबिंद सिंह मेड हिज सबमिशन टू औरंगज़ेब. तो आखिरकार गुरु गोबिंद सिंह जो लीडर था सिखों का, उसने औरंगज़ेब के आगे हथियार डाल दिए. इसके बाद रिवॉल्ट्स ऑफ जट्स हैं. जट जो है पंजाब की एक कौम है. तो इन 1669 हिंदू जट्स इन द सबर्ब्स ऑफ मथुरा रिवॉल्टेड अगेंस्ट औरंगज़ेब एंड स्टार्टेड अटैकिंग द नियर बाई एरियाज. औरंगज़ेब सेंट हिज ग्रैंड सन बेदार बख्त टू टीच दैम अ लेसन. बेदार बख्त डिफीटेड द जट्स आफ्टर अ ब्लडी फाइट. तो जट्टों का जो था बगावत थी उसको बेदार बख्त ने कुचला. ये औरंगज़ेब का पोता था. ठीक है जी, तो ये तो हो गया नॉर्दर्न इंडिया के इश्यूज़. यानी पहले राजपूतों के साथ मसला जो कि कॉन्टीन्यूस रहा, सिखों के साथ मसला जिसको उसने कुचल दिया, काबू में कर लिया, और जट्टों के साथ, जाट्स के साथ मसला जो कि उसके पोते ने उसको कुचला और उनको भी काबू कर लिया. इसके बाद हम बात करते हैं सदर्न इंडिया, जिसमें बीजापुर, गोलकंडा, अहमदनगर वगैरह आते हैं. अच्छा जी, इन दक्कन सदरन इंडिया द स्टेट्स ऑफ बीजापुर, गोलकंडा एंड अहमदनगर एट्सेट्रा हैड मैनी पोर्ट्स फॉर सी ट्रेड. सदरन टेरिटरीज हैड बीन अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ वरी फॉर मुगल रूलर्स. सदरन इंडिया वॉज वेरी फार फ्रॉम कैपिटल. कॉन्सिक्वेंटली इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दीज एरियाज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंट्रोल. अ स्लाइट नेग्लिजेंस ऑफ द सेंटर माइट हैव कॉज्ड पोलिटिकल अनरेस्ट इन दीज पार्ट्स and government had to take action again and again. During the reign of Aurangzeb, Mughals won a number of battles in this area, but Aurangzeb was obliged to spend the last 25 years of his life there. देखें जी, ये दक्कन और सदरन इंडिया का मामला है. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इंडियन जो स्टेट थी वो बहुत वसी हो चुकी थी, नॉर्थ से साउथ में बहुत ज़्यादा फासला था. तो जो सदरन इंडिया है उसकी अहमियत इसलिए
ज़्यादा थी कि वहाँ पे बहुत सारी पोर्ट्स थी जो इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करती थी, और दूसरा इसका प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत ज़्यादा दूर था सेंटर से, इसको काबू में रखना बहुत मुश्किल था। अगेन एंड अगेन यहाँ पे बगावतें और रिवॉल्ट्स होते थे, उनको काबू रखने के लिए मुसलसल यहाँ पे कैंपेन्स करना पड़ती थी, और ये इस तरह था कि औरंगज़ेब को अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल यहाँ पर गुजारना पड़े। दक्कन एक्सपेडिशन एंड मराठाज़ के साथ ये बड़ा मशहूर व मारूफ है। मराठाज़ के साथ, जिन्हें हम मरहट्टे कहते हैं, ये हिंदू ब्राह्मण लोग थे, बहुत जंगजू बड़े लड़ाका लोग थे ये। इनके साथ औरंगज़ेब का बहुत लंबा चौड़ा झगड़ा और जंगें रही हैं। तो मराठाज़ ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पॉलिटिकल पावर इन सदरन इंडिया। शिवाजी वो लीडर था मराठाज़ का, जिसने मरहट्टों को यकजा किया, इकट्ठा किया और उनके और मुग़लों के खिलाफ जंग को शुरू किया। शिवाजी ने बहुत बहुत टफ टाइम दिया, बहुत कि उसने अपनी हिंदू स्टेट्स बनाई, उसने बहुत सारे, आप पढ़ेंगे आप देखेंगे, उसने जो है वो बहुत सारे किलों पे कब्ज़ा किया, और जो पावर रूलर थे बीजापुर के उनको साथ में मिलाया, उनको ख़त्म किया, उनको मिलाया, और मुग़लों को बड़ा उसने टफ टाइम दिया। तो अब इसके बारे में आप पेज नंबर 57 पे पढ़ेंगे बेटे कि 1656 में शिवाजी कैप्चर्ड अ हिंदू स्टेट। इन दोज डेज शाहजहान हेल्थ वाज डिटीरियोरेटिंग मतलब जवाल पजीर थी, या वो बीमार था। एंड हिज सन्स बिगन टग ऑफ वॉर, यानी रस्साकशी शुरू कर दी, खींचातानी शुरू कर दी थ्रोन हासिल करने के लिए। इस सूरत हाल ने शिवाजी को बड़ा फ़ायदा दिया, और उसने अपनी कोशिशें तेज़ करके मुग़ल कंट्रोल एरियाज़ पे हमला करना शुरू कर दिया। तो जब औरंगज़ेब पावर में आया तो उसने इसके खिलाफ फौरन एक्शन लिया। अब जो क्या है, इसके बाद जब उसने एक्शन लिया, सून ही वॉज़ फोर्स टू सरेंडर एंड मेक पीस। शिवाजी एंड हिज सन्स वर ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट। आखिरकार ये लोग हारे, इन लोगों को पकड़ के तो बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने इन लोगों को ऑनर दिया, इनको, ये मज़हबी लोग थे, ये जैसे भी लोग थे, बादशाह ने इनको ऑनर किया, इनको जो है अच्छी पोजीशंस ऑफ़र की, लेकिन ये लोग यहाँ से भाग गए, और फिर दोबारा अपनी पावर को इकट्ठा किया इन्होंने, और दोबारा इन्होंने मुकाबले पे उतर आए। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक कर्नाटका के इलाके का मुहासरा किया। वहाँ पे शिवाजी ने 6 साल तक हुकूमत की, और 53 साल की उम्र में वो मर गया। शिवाजी ने जो अनऑर्गेनाइज्ड मरहट्टे थे, जैसा कि मैंने कहा कि वो मज़हबी से और जंगली किस्म के लोग थे, लेकिन शिवाजी ने इनको ऑर्गेनाइज़ किया, इनको डिसिप्लिन किया, इनकी एक पॉलिटिकल पावर बनाई, इनको इंडियन पॉलिटिक्स में इनका एक अहम रोल करवाया। शिवाजी जब मर गए तो उनके बाद उसका बेटा सांभाजी था, वो पावर में आया और वो मरहट्टों का लीडर बना, और दक्कन की स्टेट बीजापुर और गोलकंडा से उसने अपनी ताकत हासिल की, और मुग़लों को उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और इसके बाद औरंगज़ेब के एक जनरल मुकर्रब खान ने सांभाजी को पकड़ा और उसको सजाए मौत दी गई। सांभाजी जब मारा गया तो उसके बाद उसका भाई राजा राम आया। राजा राम ने भी जो है काफ़ी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, और इन्होंने मुग़ल बादशाह के साथ किसी भी किस्म के अमन माहदे से इनकार कर दिया। तो बेटे ये पेज नंबर 57 तक आप रीडिंग करेंगे, आज आपका काम है पेज 54 से 57 तक की रीडिंग। इसमें बेसिक आपका जो होगा, फोकस होगा, वो डिफरेंट स्टेजेस एंड प्रॉब्लम्स इन द एज ऑफ औरंगज़ेब पे होगा। इसकी आप रीडिंग करेंगे, इसको अच्छे से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।